ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 10 सितंबर 1968। रूहानी बाप बच्चों को कहते हैं, और ये भी तो बच्चा है ना। कौन? ब्रह्मा। देहधारी सभी मेरे बच्चे हैं। किसने बोला? रूहानी बाप ने बोला। कि जो भी देहधारी बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। माने बच्चा बुद्धि है। मैं रूहानी बाप हूं, तो रूहानी बाप सभी आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही मुख्य है। ये बात तो अच्छी रीति समझो। यहां जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं है कि शरीर से न्यारा होकर के गुम होकर के बैठ जाना है। नहीं, शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना, ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहां तो सुजाग होकर के बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि यहां बैठ करके बेहोश हो जाओ। निल अवस्था में चले जाओ। ऐसे बहुत हैं जो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। ये भी रंग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है तो जरूर सुजाग रहेंगे, और फिर पवित्र भी बनना है। क्योंकि अपवित्र होते रहेंगे तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी। पवित्र रहने से ही ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में बैठेंगे। अगर आप पवित्र बने रहेंगे, इम्प्योरिटी धारण करते रहेंगे, तो ना अपना कल्याण कर सकेंगे और ना औरों का कल्याण कर सकेंगे। किसको भी बाबा की बातें बता नहीं सकेंगे। जो पवित्र बनते नहीं हैं और दूसरों को कहते हैं, तो उनको कहेंगे कि पंडित हो गया,
ये पंडित पना यहाँ चल न सके। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, अगर मियाँ मिट्ठू बनते रहेंगे और अपवित्रता धारण करते रहेंगे तो वो फिर बात अंदर दिल में खाती रहेगी। ऐसे मत समझो कि हम शून्य में चले जाते हैं, नील में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें तो चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, ये नींद करना ये कोई याद की यात्रा नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में तो दिखाया है कि सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता। अभी तुमको तो दुनिया का पता होना चाहिए, जानते हो ये दूध छीछी दुनिया है, और ऐसी दुनिया में बाप को कोई नहीं जानते है। अगर बाप को जाने तो सृष्टि के चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, सतयुग में भला आयु बड़ी हो जाती है तो भी वहां कोई बदसूरत नहीं होते हैं। बाकी इन सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद कर लेना, गुफाओं में बैठ करके बदसूरत हो जाना, बाप तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह करके सुजाग रहो, शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि करना है, ग्रस्त व्यवहार संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते भी बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे तो आंखें खोल करके काम करेंगे, धंधा आदि सभी कुछ करते रहो, बुद्धियोग बाप के साथ बना रहे। इस बात में कोई भी गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी, कोई टिपर ही ले जाएगा, तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, तो ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह हठ योगियों की बातें हैं।
रिद्धि सिद्धि वाले ऐसे करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इस राजयोग में आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते हैं कि और मित्र संबंधियों आदि को जो बैठकर याद करते हो वो सभी कुछ भूल जाओ, एक बाप को याद करना है, सिवाय सब विचारी याद के कोई के पाप नहीं कर सकते। कोई भोग ले जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाकर गुम हो जाते हैं, उसमें क्या होता है? जितना समय सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, गुम स्टेज में बैठे हैं, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि शिव बाबा को तो याद कर ही नहीं सकते और न बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो कितना घाटा पड़ जाता है। परंतु जिनका ड्रामा में नूद है, इसलिए जाती है, फिर वापस आकर के मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाना है तो फौरन जाओ और फौरन आओ, वहां बैठ न जाओ। गो सुन कब सुन, ये खेल पाल आदि बाबा ने साफ बंद करवा दिया। ये भी घूमना फिरना रुलना पालना हुआ, भक्ति मार्ग में ये रुलना पिलना बहुत होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, इसे कहेंगे अंधियारा मार्ग। ब्राह्मणों की दुनिया में ये अंधियारा मार्ग कितने साल चला, क्या कहेंगे है? ब्राह्मणों की दुनिया में चालीस वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचते हैं, वो या 36 से लेकर 76 तक ये अंधियारा मार्ग ही चलता रहा। अंधियारे में सूर्य उदय होता नहीं है, इसलिए बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में घोषित किया गया। मीरा भी ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वो कोई योग व पढ़ाई थोड़े ही थी, क्या वो बैकुंठ में चली गई? क्या मीरा की सदगति हो गई? स्वर्ग में जाने लायक बन गई?
मीरा पावन बन गई। ध्यान में जाने वाली मीरा उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट गए क्या? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटने हैं। बाकी ध्यान आदि में जाना, ये साक्षात्कार आदि होना, इनसे कोई फायदा नहीं। ये तो भीती है, न ये याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं है, तो सदगति को पाए नहीं सकते। बल कितने भी साक्षात्कार होते रहे, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी। मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे, ये तो शुरू में सिर्फ बाबा को स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ। पीछे तो बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। हम कोई को भी कहते नहीं हैं हाँ, बिठाकर कह देते हैं कि इनकी रस्सी खींचो, और वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ढेर होते हैं जिनको साक्षात्कार होता है। शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। ऐसा क्यों? आदि में भी साक्षात्कार और अंत में भी साक्षात्कार क्यों? बीच में ये साक्षात्कार आदि का पार्ट बंद क्यों हो जाता है? द्वापर के आदि से ही भक्ति शुरू होती है। जो जास्ती भक्ति करते हैं वो जास्ती ज्ञान पाते हैं, जो अभिविचारी भक्ति करते हैं वो अभिविचारी ज्ञान पाते हैं, और जो विविचारी भक्ति करते हैं वो विविचारी ज्ञान पाते हैं। अनेकों से सुनते रहते तो जैसे विविचारी ज्ञान हो गया। भक्ति जब करते हैं तो ज्ञान का नाम निशान नहीं रहता है। जैसे कि भक्ति फाउंडेशन हो गया, अभी बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, मुझे ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। तो कितनी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए बाप को?
जो ज्ञानी तू आत्मा संग आत्माओं की संख्या पूरी हो, फिर भक्तों का नंबर लगे। ज्ञान अर्थात सोझरा, सोझरा आता है सूर्य से, अंधेरा आता है गुरुओं से। ब्राह्मणों की दुनिया में साक्षात्कार का फाउंडेशन कहां से शुरू हुआ? कौन निमित्त बना? है ब्रह्मा निमित्त बना। तो जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण ज्ञानी बन जावे, अर्थात ज्ञान अंधकार मिट जावे, तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्माओं की संख्या पूरी हुई। तो कितनी है ज्ञानी तू आत्माएं? कहेंगे ज्ञान सूर्य के जो भी बच्चे हैं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाले, वो सब ज्ञानी तू आत्माएं हैं। वो अंधेरे को नाश करने वाली है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करने वाली है। तो जब ज्ञान का फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है, ज्ञानी तू आत्माओं की संख्या की पूर्ति हो जाती है, फिर भक्त आत्माओं की शुरुआत होती है। क्या राजयोग सीखने वाली आत्माएं ही ज्ञानी होती है? जो राजयोग नहीं सीखती है अथवा पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करती है, वो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो यथा राजा तथा प्रजा ये कब का गायन है? है? अगर कहें सतयुग के पहले जन्म का गायन है तो वहां तो पहला पत्ता ही कृष्ण वाली आत्मा यथा राजा तथा प्रजा सभी बुद्धू देवताएं होंगे। कोई को ज्ञानी आत्मा नहीं कह सकते। तो ज्ञानी तू आत्माओं की संख्या वो है जो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में बच्चा बुद्धि बनकर नहीं रहती। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं,
डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेने वाले हैं। बल्बो प्रजा वर्ग में आने वाली 4.5 लाख आत्माएं क्यों न हो, इसलिए बोला कि पहली पीढ़ी की सृष्टि की जो आत्माएं हैं उनकी कोई खास विशेषता है, जो विशेषता बाद वाली और पीढ़ियों में नहीं होती है। क्या विशेषता है? जो बाप को बहुत प्रिय है। बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञान ही तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। तो ऐसी विशेष आत्माएं अलग देखने में आवेंगी। ध्यान में जाना, साक्षात्कार आदि करना, स्वप्न दीदार में बुद्धि रमाना, ये कोई योग व पढ़ाई नहीं है। हम तो किसको भी कहते नहीं है, हाँ बिठा कर कह देते हैं कि इनकी बुद्धि की डोरी खींचो, अभी तुम संदेश देते हो। भगवान आया हुआ है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, परंतु जो अज्ञान के अंधे हैं उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो पिछाड़ी में उनको साक्षात्कार होगा, क्योंकि भक्तों की संख्या ढेर की ढेर है। उस समय तुम देखेंगे, अनुभव करेंगे मिर्बा मौत मलू का शिकार। ढेर के ढेर मनुष्य हैं जो अज्ञान अंधकार में शरीर छोड़ देंगे। सदगुरु से सदगति पाए नहीं सकेंगे। ज्ञान अंजन ले नहीं सकेंगे। ये तो जानते हैं कि शरीर के साथ कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएगा। मन बुद्धि से शरीर का त्याग करना पड़े। या तो स्थूल में भी त्याग करना पड़े। तो सभी मनुष्य विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। नाम पड़ेगा आदि सनातन। सनातन अर्थात पुराना, और पुराणों में भी जो आदि है
आरंभ करने वाले हैं। वैसे आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हो जाएगी। कौन सा ब्रह्मा? आज देवी देवताओं की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, तो उनकी स्थापना करने के लिए जो निमित्त बनेगा, द्वारा मीडिया बनेगा, उसकी पूजा नहीं होगी क्या? मंदिर नहीं बनेंगे? मूर्तियां नहीं बनेंगी क्या? बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? है, बननी चाहिए। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना गाई हुई है। तो ब्रह्मा की तो मूर्तियां नहीं मिलती, मंदिर नहीं मिलते, पूजा नहीं होती। जो निमित्त मात्र बनता है, मीडिया बनता है, उसके लिए ये बात कैसे साबित हो सकती है? क्योंकि पुरुष जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। पवित्रता के द्वारा स्थापना होती है, पवित्र दुर्योधन दुशासनों के द्वारा स्थापना नहीं हो सकती। तो वही ब्रह्मा जो नंबरवार नौकरियों वाले ब्राह्मण धर्म की स्थापना का निमित्त बनता है, वो शरीर छोड़ने के बाद कोई माता के तन में प्रवेश करके पाठ बजाता है, तब माता गुरु के द्वारा कल्याणकारी स्थापना का कार्य संपन्न होता है। वही ब्रह्मा, ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, उस नाम रूप से पूजा जाता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं। ऐसे देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर के कितनी सर्विस करती हो, दस नौ अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। ये कहते हो कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। दिल्ली में माथुर बच्चा है, वो भी विलायत जाते हैं सर्विस करने के लिए। वो सन्यासी लोग तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं, बाप बिगर राजयोग कौन सिखला भी।
तुम बच्चों को अभी बाप राजयोग सिखला रहे हो। फिर राजाई मिल जाती है, उस राजाई में तुम अपार सुखों में रहते हो। उन अपार सुखों के बीच में फिर तुमको याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि रिंचक भी तुमको दुख नहीं होता है। आय भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया होती है। यहां तो देखो कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं कि बाप ने दुख के लिए कोई खेल रचा है। ये खेल तो सुख दुख का है, हार जीत का अनाज खेल है। परंतु बाप ने दुख के लिए खेल नहीं रचा है। इन सभी बातों को सन्यासी नहीं जानते हैं, तो समझाए भी नहीं सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा को ब्रह्म समझ लेते हैं। और ब्रह्म समझ करके याद करते हैं, कहते भी हैं हम ब्रह्मास्मि। फिर ब्रह्म को परमात्मा समझ लेते हैं, कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। वास्तव में ब्रह्म तो तुरीय तत्व का नाम है। वो जड़ तत्व है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। जहां आत्मा और परमात्मा रहते हैं वो फिर ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? है? ब्रह्मा को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म को भगवान समझते हैं। वो जड़ तुम्हें ही बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट आत्माओं के रहने का स्थान है। माँ के पेट से ही बच्चे जन्म लेते हैं। वहां आत्माएं जड़त्व में ही स्टेज में रहती हैं। ब्रह्मा का पाठ जब तक चला, उस गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं थी जड़त्व में ही स्टेज में रही। बुद्धि कभी भी चलायमान नहीं हुई। वो ब्रह्म तत्व योगी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। ब्रह्मा की गोद में ही लीन हो जाना चाहते हैं। उनका सारा ज्ञान उल्टा है।
कृष्ण को गीता का भगवान समझ लेते हैं। यहां तो वेद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वो हठ योगी सन्यासी समझते हैं कि भगवान 40,000 वर्ष बाद आवेंगे। इसलिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। ये दोनों कार्य कराने के लिए तो मैं आता हूं। ब्रह्मा के रूप में नहीं आता हूं, स्थापना और विनाश का कार्य कराने के लिए। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण सृष्टि रची जाती है नौकरियों वाली, उस अधूरी सृष्टि का विनाश कराता हूं और संपन्न ब्राह्मणों की स्थापना होती है। अभी मैं स्थापना कर रहा हूं। जहां नई दुनिया में सूर्यवंशी ब्राह्मण ही रहेंगे। ब्राह्मण 100% पक्का, 100 देवता। तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं अभी जल्दी करो, पावन बनने की जल्दी करो, तभी पावन दुनिया में जावेंगे। ये कोई पावन दुनिया नहीं है जहां बैठे हो। क्या परिभाषा बताई पावन दुनिया की? क्या पहचान बताई? पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता। तो अभी कहां बैठे हैं? पावन दुनिया में बैठे हैं या पतित दुनिया में बैठे हैं? कहेंगे पतित दुनिया है, पावन दुनिया में जाने वाले हैं। पावन दुनिया कितनी है? अरे एक ही है। पावन दुनिया है दो, एक पावन दुनिया जहां सिर्फ आत्माएं रहती है, जिनकी बुद्धि देह में नहीं धरी हुई होती है, उनको देहधारी नहीं कहेंगे। वहां देह की स्मृति मात्र भी नहीं रहती, उसको कहेंगे साकारी परम धाम। जो बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, और दूसरी पावन दुनिया भूल गए, सुख धाम। वहां सुख ही सुख होगा। कोई भी आत्मा रिंचक मात्र भी दुख का अनुभव नहीं करेगी। प्रैक्टिकली बाप ऐसी दुनिया बनाए रहे हैं।
अभी तो ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, पुरानी दुनिया में कोई न लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? अरे कोई का राज्य है या नहीं है? कहेंगे पंचायती राज्य रावण का राज्य है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य तो नई दुनिया में था, अभी नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण तो पुनर्जन्म लेते चले आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कृष्ण को दिखाया है कि अर्जुन की गाड़ी में बैठा है, नाम रख दिया है कृष्ण। नाम किस आधार पर रखे जाते हैं शास्त्रों में? क्या काम किया है? अरे क्या काम किया जो कृष्ण नाम रखा गया? आकर्षण किया, आत्माओं को जिसने आकर्षित किया, प्रैक्टिकल जीवन में आकर्षित किया, उसका नाम है कृष्ण। ये संगमयुगी कृष्ण की बात है। सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात नहीं है। वो दुनिया की आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाता। ये बेहद कृष्ण की बात है, जिसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। हाँ कहेंगे उसके दो रूप होते हैं, आदि में है श्याम और अंतिम स्टेज में है सुंदर। श्याम है तो प्रजापिता कहा जाता है और सुंदर है तो कृष्ण अथवा नारायण कहा जाता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है कि अर्जुन के रथ में बैठ करके लड़ाई करवाई। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहां तो ऐसे कोई लश्कर की बात नहीं है। कौरव हैं देह अभिमानी, वो देह अभिमानी विनाश को प्राप्त होंगे। जो योग बल वाले आत्मा अभिमानी होंगे वो राजा ही प्राप्त करेंगे। बाप समझाते हैं, ये भक्ति मार्ग के अथाह ढेर के ढेर शास्त्र है। ये सतयुग में ये शास्त्र नहीं होते है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। भगवान की स्थापन की हुई राजधानी होती है, वहां भक्ति का नाम निशान नहीं होता। वहां आधा कल्प सुखी ही सुख होता है। भगवान बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुखी ही सुख होगा।
बाप कब बच्चों के लिए पुराना मकान बनाता है क्या? बाप तो बच्चों के लिए नया मकान ही बनाते हैं। कभी कोई ने सुना कि कोई बाप ने बच्चों के लिए पुराना मकान बनाया? वो तो हद के मकान होते हैं। ये तो है बेहद नई दुनिया का मकान। नई दुनिया बनाने वाला जिसको सतु प्रधान कहा जाता है। वो सदा ही सत्य है। नई दुनिया में रहने वाले पहले पवित्र थे, अभी तमो प्रधान अपवित्र हैं। तुम भी अभी पराए रावण राज्य में बैठे हो। जानते हो कि राम कहा जाता है शिव बाबा को? क्या शिव बाबा को कभी कृष्ण नहीं कह सकते, ब्रह्मा नहीं कह सकते, शंकर भी नहीं कह सकते? हाँ, शिव समान शंकर की आत्मा बनती है तो शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। भक्ति मार्ग में कितना राम राम कह करके राम नाम का दान देते हैं। कहते हैं राम राम कहो। अभी सोचो कहां राम है और कहां शिव बाबा है? कहां है? कहां राम और कहां शिव बाबा? क्या अंतर हुआ? राम रूपी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां? और जिसको हम कहते हैं शिव बाबा, वो शिव बाबा रूपी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां? अरे ऊंची और नीची स्टेज का कोई अंतर है? हैं? नहीं, क्या अंतर है? अरे बोला, तुम बच्चों के द्वारा बाप सर्विस कराती है, तुम तो तमो प्रधान आत्मा हो, तुम सेवा नहीं कर सकते। तमो प्रधान आत्मा डिस सर्विस करेगी या सर्विस करेगी? क्या करेगी? डिस सर्विस करती है। और जो सतो प्रधान है वो ही सर्विस करता है। तो सेवादारी है शिव बाबा। प्रजापिता कोई सर्विस नहीं करता है, वो आत्मा सेवादारी नहीं है। उसके द्वारा कौन करण करा बना रहे? शिव बाबा। अभी शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, कि अगर सेवाधारी बनना है तो मां में एकम याद करो, तभी सेवा का रिजल्ट निकलेगा।
याद में रह करके सेवा करेंगे तो नई दुनिया बनेगी। जानते हो जहां से आए हो वहां फिर जाना है। जब तक बाप को याद करके पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले बच्चे हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। बाकी मुख से कोई शिव बाबा कहने की बात नहीं। भक्ति मार्ग में मुख से राम राम कहते हैं। अगर कोई नहीं कहेगा तो समझेंगे नास्तिक है। कितनी आवाज करके गाते रहते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता जाता है वैसे ये भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती है। अभी तुम तो जानते हो कि बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। क्या इशारा दिया है? इशारा दिया कि मनुष्य सृष्टि का बीज राम आत्मा जब बीज रूप स्टेज बन जाएगी, अति सूक्ष्म स्टेज धारण करेगा, तभी नई दुनिया तैयार होगी। नहीं तो भक्ति मार्ग में कर्मकांड आदि की सामग्री कितनी भारी हो जाती है। कितने शास्त्र बनते हैं। तुमको तो कोई चीज नहीं चाहिए, कोई आवाज नहीं चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम्हारे जो लौकिक बाप हैं वो भी बुद्धि से बाप को याद करते हैं। तो बाबा बाबा बैठ करके थोड़े ही याद करना है। तुम भी जानते हो हमारे शरीर का बाप है लौकिक, बाकी आत्मा का बाप कहाँ है ये तो कोई को पता नहीं होता है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो नाम पड़ता है। कहेंगे आत्मा तो आत्मा ही है। कोई को बुलावेंगे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे ए आत्मा इधर आओ। कोई समझेगा भूत प्रेत को बुलाता है। तो जानते हो कि शरीर का नाम बदलता है। जैसे तुम आत्मा हो वो भी परमात्मा है। उनका असली नाम है क्या? राम नहीं। उनका असली नाम है शिव। शिव बाबा नहीं। असली नाम क्या है? शिव बाबा असली नाम नहीं है। नकली को याद करते हो है? नकली को याद करते हो या असली को याद करते हो है? असली को याद करते हो। असली का नाम क्या है? शिव बाबा असली का नाम है। है
उनका असल नाम है शिव।